हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुवैत में आज़ाद वीज़ा का प्राइस कितना है और आज़ाद वीज़ा कितने नंबर का वीज़ा होता है, जिस वीज़ा पे मतलब कि काम करते तो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब कि पार्ट टाइम जॉब कुवैत में मैंने किया है, और पार्ट टाइम जॉब मतलब कि दोस्तों ऐसा है, पार्ट टाइम जॉब अलाउ नहीं होता है कंपनी में। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब कैसा होता है कि चुप चुप के करना होता है। जैसे मैं अपने कंपनी में 8 घंटा ड्यूटी करके आया, उसके बाद में ये होता है, जैसे 8 घंटा ड्यूटी किया तो मतलब मेरा ऐसा था कि मैं जाके जो है बातचीत किया था दूसरे कंपनी में कि भाई मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं क्या। तो इस तरह से मतलब वहाँ पर होता है कि जैसे 8 घंटा अगर अपने कंपनी में मैं ड्यूटी करके आया तो पार्ट टाइम के लिए मैं कहीं पर जॉब पर बात किया हूँ, तो कैसा होता है कि जिस कंपनी में मतलब कि का कारीगर नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई मतलब कि जो 8 घंटे में हम मतलब कि काम करके पैसा कमाते हैं, वो 2 ही घंटे में 3 ही घंटे में वो पैसा वो लोग भी दे देते हैं। वो इसलिए दे देते हैं क्योंकि भाई वो अगर इंडिया से कारीगर बुलाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि खर्चा पड़ेगा। तो इस वजह से पार्ट टाइम जॉब दोस्तों ऐसे चोरी चुपके मतलब होता है। तो जहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ पर हमारे एक भाई थे बाल गोविंद शुक्ला करके, और वो बिहार के थे। तो वो आज़ाद वीज़ा पे दोस्तों काम कर रहे थे, और आज़ाद वीज़ा पे दोस्तों मतलब कि कई लोग मतलब वो कंपनी में काम कर रहे थे। क्योंकि वो कंपनी इसी इसी तरह से चल रही थी कि जितने भी उस कंपनी में काम करने वाले स्टाफ थे वो सब लोग आज़ाद वीज़ा पे थे। तो चूँकि उसी कंपनी में मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तो उस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करके मतलब ये मान के चलो कि मैं अगर 8 घंटा ड्यूटी करके अगर अपने कंपनी में 6 दिनार 7 दिनार कमा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं 3 ही घंटे में 8 दिनार 7 दिनार कमा लेता था। तो उसका रीज़न दोस्तों यही था कि आजाद वीजा वाले जो लोग होते थे उन्हीं लोग के साथ में हमको करना था। तो चूंकि उनका आजाद वीजा था तो वो तो बिंदास अपना मोटा रकम लेते थे। उनका एक दिन का 25 दिनार सैलरी था, मतलब सोच सकते हैं एक दिन का 25 25 दिनार सैलरी मतलब 25 केडी का कितना होता है, आप मल्टीप्लाई कर लेना गूगल पे से। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं ये बताने वाला हूं, वो भाई से जब मैंने पूछा था कि भाई आप आज़ाद वीज़ा मतलब कि कहाँ से लिए हो, कितने में लिए हो, तो मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताया। तो आज़ाद वीज़ा जैसे होता है कि मतलब एक होता है 20 नंबर का वीज़ा, एक होता है 22 नंबर का वीज़ा, एक होता है 18 नंबर का वीज़ा। तो जो 18 नंबर का वीज़ा होता है दोस्तों वो कंपनी का वीज़ा होता है, और 18 नंबर के वीज़े में आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी, दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी में इसी तरह से जा जाके मतलब काम कर सकते हैं, और सैलरी भी अपने मन मुताबिक ले सकते हैं। अगर आपका 18 नंबर का वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है, तो आप जो है अपने मन मुताबिक काम ढूंढ सकते हैं और मन मुताबिक मतलब सैलरी ले सकते हैं। तो चूँकि जो हमारे बाल गोविंद शुक्ला भाई थे वो बिहार के थे, तो वो मतलब कि हमारे कंपनी में जिस कंपनी में मतलब कि मैं कर रहा था पार्ट टाइम जॉब उसी में वो कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि 20 दिनार मतलब पहले दे रहा था, बाद में उनको 25 दिनार मतलब मिलने लगा। 25 दिनार में मतलब उनको मिल रहा था, उसके बावजूद भी एक ही महीना करके वो भाई छोड़ के दूसरे जगह 30 दिनार में मतलब करने लगे। तो आज़ाद वीजा दोस्तों जितने भी भाई मतलब कि कुवैत में जाने वाले हैं या कुवैत में जाके आज़ाद वीजा के लिए सोच रहे हैं, तो ये मान के चलो कि आज़ाद वीजा उनके लिए ही सही है जो आज़ाद वीजा पे मतलब कि उसके बारे में जानकारी कर लिए, या जैसे मैं वर्क वीजा पे गया हुआ था काम करने के लिए। तो अगर वर्क वीजा पे आप मतलब वहाँ पे काम किए हुए हैं ऑलरेडी, जैसे अभी मैं 4 साल काम किया हूँ, अब अगर मुझे आज़ाद वीजा मतलब कि मैं अगर लगा के जाता हूँ कुवैत में, तो ये मान के चलो कि पर महीने का 3 लाख से 4 लाख रुपया सैलरी मतलब उठा सकते हैं। अब कितने भाई ऐसे सोचेंगे कि मैं फेंक रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखो जो अगर कम सैलरी कमाया हुआ, जैसे मैं अपने कंपनी में मैंने बताया था कि मतलब मेरा 135 KD सैलरी था, अभी हालांकि सैलरी बढ़ गया है लेकिन मैंने सैलरी वाला वीडियो जो है डाला हुआ, तो उस समय मेरा 135 KD बेसिक सैलरी था प्लस खाने का 15 KD था, तो मतलब 150 KD मेरा सैलरी था। लेकिन अब ये मान के चलो कि जितने भाई ऐसे हैं जो मतलब नए नए जाते हैं, तो अगर उनको कम सैलरी मिलती है तो ज़्यादा सैलरी की जब बात बताओ तो उनको यकीन ही नहीं होता, वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो फेंकता है ऐसे ही है। तो अब जाहिर सी बात है मुझे भी ऐसे ही लग रहा था पहले कि यार मतलब मेरा 150 KD अगर सैलरी है तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं पार्ट टाइम दोस्तों जॉब करने के लिए गया, जब मालूम पड़ा कि यार अगर मैं अपने कंपनी में 8 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ तो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद मुझे 7 दिनार मिल रहा है या 6.5 दिनार मिल रहा है, तो वही चीज़ें जब मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गया दोस्तों, तो वहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ा कि यार 1 घंटे का आपको 3 दिनार दिया जाएगा। अब सोच लो कि कंपनी में मैं अपने काम कर रहा हूँ तो मतलब कि 8 घंटा काम करने पे मुझे 7 दिनार मिल रहा है, क्योंकि वही 2 ही घंटा मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे 6 दिनार मिल जा रहा है। तो ये कैटेगरी वाइज है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मैं मिग बेल्डर हूँ तो मतलब मैं बेल्डर था तो बेल्डर की पोस्ट पे मैं गया हुआ था तो मुझे 3 दिनार पर घंटे का मतलब बोले थे देने के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब कि हर भाई मतलब कि इसी तरह से कमाए। जैसे देखो जो आप कैटेगरी का काम करते हो आपके कैटेगरी के ऊपर आपकी सैलरी लगती है। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का 4 KD घंटा है,
पार्ट टाइम जॉब करो या आज़ाद वीज़ा पे आप जाके करते हो तो कितना भी सैलरी आप ले सकते हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर आप आज़ाद वीज़ा लिए हुए हो, अगर कोई कंपनी आपको बोलती है कि भाई मैं आपको 15 दिनार एक दिन का दूंगा, आप मेरे यहाँ आके काम कर लो। और ऐसे जो आज़ाद वीज़ा लेके जाते हैं, एक वेबसाइट भी है कुवैत वन जॉब करके, मैंने उसका भी वीडियो डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, लिंक आप जाके देख लेना, जो कुवैत वन जॉब करके है दोस्तों। वहाँ पे मतलब कि कुवैत के अंदर जितना भी जॉब होता है, जहाँ पे भी वांट होता है, रिक्वायरमेंट होता है, वो लोग ऑलरेडी उस वेबसाइट पे डाले हुए रहते हैं। उसी वेबसाइट के माध्यम से देखकर मैं भी गया हुआ था पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। वहाँ पे लिखा रहता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, सारा कुछ वहाँ पे लिखा रहता है। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं उसी वेबसाइट से देख के मैं गया हुआ था, और ऐसा हो गया कि पार्ट टाइम जॉब करके ही मैंने लैपटॉप खरीदा, बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव की पार्ट टाइम जॉब करके। जबकि मतलब मेरा सैलरी भी मतलब कि ओवर टाइम वोम करके मान के चलो कि 190, 180, 170, मतलब कि जैसा काम चलता था उसी हिसाब से मेरी सैलरी आती थी। तो पार्ट टाइम जॉब करके मतलब कि मैंने बहुत सारा चीज़ मतलब कि किया, और पार्ट टाइम जॉब करके मैंने कम से कम 1 लाख रुपया मतलब कमाया था। तो ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बोल दूँ कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था तो सब कोई पार्ट टाइम जॉब ही करने लगे। देखो, पार्ट टाइम जॉब करने का मतलब कि एक टाइम टेबल होता है। जैसे मान लो अगर आपके कंपनी में ओवर टाइम चल रहा है तो आपको कंपनी में ओवर टाइम करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में ओवर टाइम नहीं करेंगे तो कैसा होगा, कंपनी को लगेगा कि ये बंदा दूसरे जगह काम कर रहा है। तो अगर कंपनी को मालूम पड़ेगा कि आप दूसरे जगह काम कर रहे हो तो मान के चलो आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे। तो पार्ट टाइम जॉब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि मतलब मेरा वीडियो देखो तो आप मतलब पार्ट टाइम जॉब करने लगो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके कंपनी में काम नहीं है, 8 ही घंटा चल रहा है, तो आप जैसे तैसे चुप चुप के, अगर बातचीत करके कहीं सेटल हो रहा है तो ऐसे चुपके से बातचीत करके आप काम कर सकते हो। इसी तरह से कुवैत में बहुत सारे भाई कमाते हैं। तो आज़ाद वीजा का दोस्तों जो प्राइस होता है, ये वहाँ के कुवैती लोग स्पॉन्सर करते हैं, और ऑलरेडी मतलब कि यहाँ से आदमी लोग भी लगे हुए हैं। हमारे अभी जल्दी एक मतलब सिद्धार्थ नगर के एक भाई गए हुए हैं, परवेज आलम नाम है उनका, वो भी आज़ाद वीज़ा लेकर गए हुए हैं। तो जल्द ही मैं कुवैत आऊँगा तो उनसे भी मुलाकात होगी, और उनसे भी मतलब कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊँगा कि भाई वो यहाँ से आज़ाद वीज़ा लेकर कैसे गए हैं, कितना खर्चा लगा है। तो चूँकि परवेज भाई का बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, उनका उन्होंने बताया कि यार उनको 1200 KD लग गया है यहाँ इंडिया से जाने के लिए। लेकिन जो बाल गोविंद शुक्ला जी हैं, मैंने उनसे था तो बोले भाई मेरा 800 दिनार मतलब लगा था 1 साल का, तो उनका भी उस हिसाब से महंगा हो गया था। 800 दिनार बोले तो 2 लाख के ऊपर हो गया। तो ये मान के चलो कि वो एक दिन में 25 दिनार कमा ले रहे हैं, तो 25 दिनार 25 गुड़े 250 या 260 कर लेना, क्योंकि करेंसी इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मान के चलो कि अगर एक दिन का 20 दिनार भी है तो भी मान के चलो कि 600 KD उनका सैलरी है, 1.5 लाख रुपया महीना मतलब कि सैलरी है समझ लो उनका। तो 1.5 लाख, अगर 2 लाख मान लो आपका लग जा रहा है आज़ाद वीज़ा में, 1.5 लाख रुपया महीने आपको सैलरी मिल रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज़ाद वीज़ा सब कोई नहीं ले पाता है, इसलिए क्योंकि भाई आज़ाद वीज़ा में पहले ही पैसा लगता है, और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, कम पैसा नहीं लगता है। तो ये कुवैती लोग स्पॉन्सर करते हैं आज़ाद वीज़ा में। और मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, आज़ाद वीज़ा मतलब कि मैं भी ऐसा कोशिश किया हूं कि मैं भी आज़ाद वीज़ा लूँगा, मैं भी बहुत इधर उधर हाथ पैर मार ही रहा हूं। लेकिन चूंकि कैसा है, यहां इंडिया में मतलब विश्वास नहीं रह जाता, क्योंकि यार देखो आदमी ऐसे ऐसे मतलब फ्रॉड लोग हैं जो 10-20 हज़ार रुपये लेके भाग जाते हैं, तो 2 लाख रुपया किसी को कैसे देके यकीन करेगा। तो हमारे परवेज भाई जो गए हुए हैं वो ऑलरेडी आज़ाद वीज़ा पे पहुँचे हुए हैं, और अभी मैं परवेज भाई से मतलब बातचीत मेरी होती रहती है, आज़ाद वीज़ा पे गए हुए हैं तो मैं उनसे बातचीत करूँगा, उसके बाद में आजाद वीजा उन्होंने कैसे लिया है, क्या कुछ लिया हुआ, वहां पे पहुंचकर वीडियो भी बनाऊंगा। और साथ ही साथ मैं भी ये कोशिश करूंगा यार कि आजाद वीजा लेके मैं काम करूं, क्योंकि भाई हर आदमी का ये सपना होता है यार कि अगर वो 50,000 कमा रहा है तो कैसे वो 60,000 कमाएगा, अगर वो 60 कमा रहा है तो कैसे 80 कमाएगा, कैसे 1 लाख रुपया कमाएगा। तो मेरा भी ऐसे सपना है कि मैं भी मतलब कि ज्यादा कमाऊं। लेकिन बस ये वीडियो बनाने का मोटिव इतना था कि यार आजाद वीजा पे बहुत बढ़िया पैसा लोग कमाते हैं, कितने लोग तो यकीन ही नहीं करते यार कि अरे 1.5 लाख 2 लाख रुपया बता रहा है, ये फेक रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अभी आने वाले समय में मैं कुवैत पहुंचने वाला हूं, उसके बाद मैं इंटरव्यू लेके आपको डालूंगा आजाद वीजा वाले लोगों का ही, ताकि आपको मालूम पड़े कि हां आजाद वीजा में लोग इतना पैसा कमाते हैं। क्योंकि इंडिया में कैसा दोस्तों कि अगर कोई बंदा 40-50 हज़ार भी मतलब कमाता है, जैसे मैं कुवैत में रहता तो वहाँ पे मान के चलो कि 40-50 हज़ार रुपया बहुत आराम से मतलब कमा लेता था। तो 40-50 हज़ार रुपया भी गांव में जो लोग सुनते हैं तो उनको बहुत खुश हो, अरे यार फलाने का लड़का 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भाई, वहाँ पे लाखों 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया कमाते हैं। और वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, देखो कैटेगरी वाइज, यानी आप फैब्रिकेटर हो, फिटर हो, वेल्डर हो, टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मतलब किसी भी फील्ड के आप मतलब अगर कारीगर हो तो ये मान के चलो आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपया सैलरी पर मंथ वहाँ पे आप कमा सकते हैं आज़ाद वीजा में। जबकि अगर मान लो आप वर्क वीजा पे जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो भी 60-70 हज़ार बहुत आराम से कमा सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है हमारे
अताउल्ला भाई का, जो हमारे सिद्धार्थ नगर से ही, उनका वीडियो मैंने डाला हुआ था। बताओ वो भी 50,000 रुपये महीना मतलब अर्न करते हैं, मतलब कि वो उनका 180 दिनार प्लस 20 दिनार मतलब 200 KD उनकी सैलरी है, तो वो भी 50 दिनार मतलब 8 घंटे का कमा लेते हैं, ओवर टाइम वेम करके 60-70 हज़ार रुपये वो भी कमा लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मतलब कि कुवैत में ज़्यादा पैसा लोग नहीं कमाते। अभी मतलब कि मैं अपने कंपनी में जहाँ पर गया था, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि अरे यार मतलब ज़्यादा पैसा मैं नहीं कमा पाऊँगा ऐसा वैसा, लेकिन जब ये होता ना कि आदमी जाता है वहाँ पर रहता है, एक साल दो साल काम करता है, एक्सपीरियंस होता है, लोगों से मिलता जुलता है, तो ऑटोमेटिक सारा कुछ मालूम पड़ जाता है। तो आज़ाद वीज़ा दोस्तों मतलब कुवैत में मान के चलो कि वहाँ पे जितने भी भाई आज़ाद वीज़ा मतलब कुवैत से लेके, जैसे मतलब कि अभी मैं रिलीज अगर ले लेता हूँ, रिलीज लेने का भी वही प्रोसेस है कि आपको 3 साल एक कंपनी में मतलब काम करना पड़ेगा, 3 साल आप वर्किंग एकदम पूरा कर लिए तो उसके बाद आपको रिलीज मिल जाता है। अगर आपको आज़ाद वीज़ा लगाना तो आज़ाद वीज़ा लगा सकते हो वहाँ पैसा दे के, लेकिन भाई पैसा तो ज़्यादा ही लगता है। तो आज़ाद वीज़ा दोस्तों जो भी भाई आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं, अभी आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन सा मतलब एजेंट है या कौन सा आदमी है जो आज़ाद वीज़ा देता है, क्योंकि हमारे परवेज भाई बताए हैं कि भाई मैं मतलब सारा कुछ बताऊंगा कहाँ से लिया, तो मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि भाई देखो अभी वो परवेज भाई गए हुए हैं, उनसे मैं इंटरव्यू लूँगा, सारा कुछ लूँगा, उसके बाद ही सारा कुछ जो है बताऊँगा कि कैसे कैसे उन्होंने गया। क्योंकि देखो किसी को ऐसे हवा में बताना ये अच्छी बात नहीं, मान लो किसी को बोल दूँ, कोई अगर किसी के साथ फ्रॉड कर देता तो वहाँ पर मेरा नाम खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी मतलब कि जिससे वो गए हुए हैं मुझे बताए हुए, लेकिन मैं ये सारा कुछ अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि परवेज भाई का जो मतलब कि डिलीवरी में गए हुए हैं, अभी उनसे सारा कुछ मैं इंटरव्यू ले लूँगा और सारा कुछ पूछ लूँगा, उसके बाद ही सब कुछ बताऊँगा। तो ये मान के चलो कुवैत में आज़ाद वीज़ा पे बहुत ही आराम से पैसा जो है कमा सकते हैं कोई भी मतलब बंदा कारीगरी लाइन से है, तो मान के चलो 1.5 से 2 लाख रुपये पर महीने का कमा सकते हैं आराम से। तो इसी तरह से जो है मतलब कि आज़ाद वीज़ा पे लोग जाके काम करते हैं और 800 KD वहाँ पे सैलरी है, मतलब 800 KD मतलब खर्चा है वीज़ा का, जो आज़ाद वीज़ा है वहाँ से। इंडिया से अगर आप जाते हैं तो आपको 1200 दिनार मतलब देना पड़ेगा, तो 1200 दिनार का इंडिया में आप 260 से गुणे कर लेना, मालूम पड़ जाएगा आपको कि कितना मतलब खर्चा होता है। वैसे 1200 दिनार का ये मान के चलो मेरे हिसाब से मतलब मैं अगर 250 के हिसाब से पकड़ता हूँ तो भी 3 लाख रुपया होता है। तो ये मान के चलो अगर 3 लाख रुपया अगर आज़ाद वीज़ा में आपको देना पड़े तो भाई हर आदमी 3 लाख रुपया नहीं दे सकता है, क्योंकि यार जो भी बंदा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो वो 3 लाख रुपया देना बड़ी बात है। लोग यहाँ पे 50,000-60,000 नहीं दे पाते हैं तो 3 लाख रुपया कहाँ से देंगे। तो इस वजह से पहले जो भी भाई अगर जाने के लिए ऐसा सोचते कि आज़ाद वीज़ा पे जाओ, तो पहले वर्क वीज़ा पे जाके आप काम करो, वर्क वीज़ा पे काम करके आप कुछ सीख लो देख लो, उसके बाद ही आज़ाद वीज़ा लेने की कोशिश करो, क्योंकि आज़ाद वीज़ा में भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो चलो मैं अभी आने वाले समय में बस मैं जल्दी कुवैत जाने वाला हूँ, आने वाले समय में मैं वो भाई से इंटरव्यू लूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी भाई आज़ाद वीज़ा पे लिए मतलब आज़ाद वीज़ा पे काम करते रहेंगे सभी भाइयों से मतलब मैं इंटरव्यू लूँगा। वैसे अफगानिस्तान के हमारे एक भाई थे, मैंने उनके साथ वीडियो बनाया, वो भी आज़ाद वीज़े पे हैं, अभी जाऊँगा तो मतलब उनसे इंटरव्यू लूँगा और सारा कुछ जो बताऊँगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी मेरे चैनल पर। तो चलो ठीक, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।